गुड मॉर्निंग बच्चों, अभी तक हमने हिंदी के दो लेसन पढ़े हैं जिसका वर्क हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम हिंदी का तीसरा लेसन पढ़ेंगे। लेसन का नाम है चांद वाली अम्मा। चांद वाली अम्मा का मतलब है कि जो चांद पे अम्मा रहती हैं। स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी, कौन कौन सी शरारत करती हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। झाड़ू के साथ कैसे शरारत करेंगे कि जैसे झाड़ू को कभी इधर को कर दिया, कभी इधर को लगा दिया, इस तरह से पंख को उड़ा करके, कागज़ की कभी नाव बना करके, कभी कागज़ की पतंग बना करके, इधर उधर उड़ा करके, इस तरह से हम शरारत करेंगे। गुब्बारे के साथ भी हम उड़ा के शरारत करेंगे। अब लेसन स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका अपना कोई ना था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती। एक बूढ़ी अम्मा थी, वो बिल्कुल अकेली रहती थी, उनका कोई भी नहीं था, और वो जो अपना सारा घर का काम था उसे खुद ही करती थी। सुबह को सबसे पहले उठती थी तो कुएं से पानी लाती थी, उनके यहाँ पर नल नहीं था, खाना भी खुद ही बनाती थी। और एक परेशानी और भी थी कि वह सबसे पहले उठकर घर में झाड़ू लगाती थी, और जब वो झाड़ू लगाती थी तब तक तो सब कुछ ठीक रहता था। मतलब घर के अंदर जब वो झाड़ू लगाती थी तो ठीक रहता था, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। मतलब जैसे ही वो घर के आंगन में, जिसे हम खुला चौक कहते हैं, घर के आंगन में झाड़ू लगाने के लिए थोड़ी सी झुकती थी तो आसमान ऊपर से आता और उनकी कमर से जानबूझकर टकराता था। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता, फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। जैसे जैसे जब भी अम्मा उसे घूर कर देखती थी, मतलब आंखों को थोड़ी सी बड़ी करके गुस्से से देखती थी, तो वो थोड़ा सा पीछे को हट जाता था, लेकिन जैसे ही अम्मा दोबारा झुकती आसमान फिर अपनी उन शरारतों को दोहराता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे, इस तरह से लगातार यही चलता रहा कि अम्मा जब भी झाड़ू लगाती तो आसमान उसे तंग करता। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। एक दिन अम्मा कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो अम्मा का पानी भरने के लिए लेकर, यानी पहले मैं पानी भरूंगी इस बात को लेकर के किसी से झगड़ा हो गया, तो अम्मा को गुस्सा आ गया। वो घर आई और झाड़ू उठाकर जैसे ही अपने आंगन में गई झाड़ू लगाने के लिए, और झाड़ू लगाने के लिए झुकी तो आसमान ने अपनी, जैसे वो रोज़ाना करता था उसी प्रकार से आकर के अम्मा को फिर से छेड़ा। अम्मा ने आग देखा न ताव और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी।
आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के जूते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। अम्मा ने, आप देखा ना, ताव मतलब अम्मा ने कुछ भी ना सोचा और गुस्से में तो अम्मा थी, उनने कसकर एक झाड़ू आसमान को भी मार दी। आसमान एकदम से पीछे हट गया और वो फिर भी अपनी आदत से मजबूर था, तो उसने दोबारा अम्मा के झुकते ही टक्कर मारनी शुरू करी। अम्मा ने फिर अपनी पूरी ताकत लगा करके उस पर वार मीन्स हमला किया, यानी उसे मारने के लिए फिर दौड़ी। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब इस कहानी का आधा पार्ट यानी सेकंड पार्ट हम कल पढ़ेंगे। आप जितना मैंने पढ़ाया है इसको 3-4 बार पढ़ेंगे और वीडियो को भी ध्यान से देखेंगे।